ये भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और ये कि किसी भयभीत होकर के मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि शायद कमलनाथ जी का ज्यादा बड़ा वर्चस्व है, भले ही उन्होंने 15 महीने की उनकी सरकार रही है, लेकिन शिवराज सिंह जी का भी जो वहां पे काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये तमाम मंत्रियों का आप देखिए कि ये मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और ये स्टेट में असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो ये पार्टी की एक इतना खूबसूरती है कि उनको कोई पद से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ जो है कार्यकर्ता की तरह से ठीक है, वो उनको नहीं लेना देना होगा, लेकिन विपक्ष, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है वो कांग्रेस के साथ ज्यादा नजर आ रहा है। अभी यहाँ से कई बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस को, वो कहते हैं कि ये देखिए लिस्ट से पता चलता है कि भाजपा कितनी डरी हुई है कि मध्य प्रदेश में हार जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, देखिए ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। देखिए 230 में से हमारे 78 कैंडिडेट्स निकल गए हैं। अब उसमें 3-4 कैटेगरीज है, ए बी सी डी, तो ए और बी में तो हम लोग बिल्कुल बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन जो डी कैटेगरी है उस कैटेगरी को एनालाइज करते हुए हमने देखा है कि भाई मार्जिन कितने ज्यादा थे, वहां पे क्या जमीनी हकीकत है, कैंडिडेट्स में कितना उनका पब्लिक के साथ कांटेक्ट है, तो ये रिव्यू कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हम उसमें क्या बुराई, अगर हम कोई रणनीति बनाते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जहां हम कमजोर हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम सर्वव्यापी हैं, सब जगह हमारा जोर है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम कमजोर हैं, तो वहां पर डी कैटेगरी लिस्ट है, डी कैटेगरी लिस्ट पर हम उन कैंडिडेट्स को लाना चाहते हैं जिनका स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही अच्छा संपर्क है और उन्होंने काम किया, ठोस काम किया। तो इसमें कोई गलती नहीं, मैं समझता हूँ इस प्रकार की बेबुनियाद बातें करना कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देता। अरे आप तैयारी करिए, वहां पे आपके कमलनाथ जी डटे हुए हैं, दिग्विजय सिंह डटे हुए हैं, आप लोग आपके ऑलरेडी सिंधिया जी ने आपके खेमे को छोड़ दिया है, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, तो आपके यहाँ तो खुद ही स्थिति इतनी गंदी गंभीर चल रही है और आप सोच रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश का चुनाव जीत लेंगे। देखिए जब से प्रधानमंत्री गए हैं वहां की बिल्कुल जमीनी स्थिति बहुत परिवर्तन आ गई, काफी लोगों से मेरी बात हुई है, और जिस प्रकार से राजनीतिक ठोस कार्यक्रम शिवराज सिंह जी के माध्यम से हो रहे हैं, तमाम लाडली बहनों के प्रति और तमाम जो भी योजनाएं चल रही है उससे हमारा जो है लगातार